नमस्कार दोस्तों, तो आज का जो पेपर एसएससी का जो पेपर हुआ है, एसएससी जो जो 10+2 का पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। आप सभी को पता है फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न पूछे गए। मेरे पास में जीके, रीजनिंग और मैथ। दोस्तों, मैं खुद पेपर देने के लिए गया था, मेरा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, इसलिए मेरा लेट हो गया था। तो मैं फर्स्ट शिफ्ट का पेपर और सेकंड शिफ्ट का पेपर मेरा छोटा भाई है उसका हुआ था। मैं वैसे एसएससी में स्पेस 7 के अंदर मैं सिलेक्टेड हूँ, तो जो प्रश्न पूछे गए वही मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके अलावा 100% जो क्वेश्चंस आज का और कल, कल मेरे भतीजे का है तो वो भी बताएगा क्वेश्चंस, तो मैं आपको बता दूंगा फर्स्ट पारी और सेकंड पारी। अभी रीजनिंग के क्वेश्चंस मैंने लिखे नहीं है, जो याद है वो मैं आपको बताऊंगा, और जीके के मैंने टाइप कर रखे हैं तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि सुदर्शन झील किस राज्य के अंदर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा गुजरात। कौन सा होगा? गुजरात। तो ये सवाल परीक्षा के अंदर आज पूछा गया था। उसके बाद में सवाल ये पूछा गया था कि सलाल परियोजना किस नदी पर है, तो कौन सी नदी है? चिनाब नदी। दोस्तों, आगे वाले प्रश्नों में अगर आपसे पूछे कि राज्य पूछे तो राज्य जम्मू कश्मीर होगा, लेकिन आज के पेपर में यही पूछा गया था कि सलाल परियोजना किस नदी पर है, तो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। पूरे विश्व में संसार का सबसे तेज तथा सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो ईमेल। कौन सा है? ईमेल। करंट के भी पूछे गए थे, तो मैं पूरा आपको धैर्य रखिए, पूरा का पूरा पेपर्स बताऊंगा, 10 से 15 मिनट में पूरा एनालिसिस करके बता दूंगा। देखिए, कौन सी सभ्यता सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण, दोस्तों ये सवाल पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता में जो महत्वपूर्ण विशेषता कौन रखती थी? नगर नियोजन। कौन रखती थी? नगर नियोजन। एक डे दिवस के बारे में भी पूछा गया था, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक ही शब्द पूछा गया था, ये खेल से संबंधित है और तैराकी से संबंधित। बेस्ट स्टॉप किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है, ये सवाल पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर ये सवाल, दोस्तों क्या सवाल, मैंने भी सोचा कि ये सवाल क्या गलत होगा, लेकिन सवाल घुमाकर पूछा गया था कि अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष किस दिन को घोषित किया जाता। दोस्तों, मेरे भी दिमाग में आया कि ये सवाल क्या पूछ रहा था, तो दोस्तों 5 सितंबर क्या होगा इसका राइट आंसर? 5 सितंबर आपका होगा। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों एक सवाल पूछा गया था, तो इनके बारे में देखिए, राजस्थान में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी? राजस्थान राज्य, आपको सभी को पता है इंदिरा गांधी जो राजस्थान की सबसे बड़ी जो परियोजना सिंचाई है, तो इसका राइट आंसर क्या? इंदिरा गांधी। लेकिन इसका वर्तमान में नाम इंदिरा गांधी है, लेकिन परीक्षा के अंदर राजस्थान नहर दे रखा था। क्या था? राजस्थान नहर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान नहर। एक ये पश्चिम बंगाल से पूछा गया था, किस राज्य में फर्शों पर चित्रकारी का अल्पना का संबंध किससे है? तो पश्चिम बंगाल से। किससे? पश्चिम बंगाल से है। अगला देखेंगे। और एक सवाल जो अभ्यारण से पूछा गया था, मानस अभ्यारण, तो मानस जो असम के अंदर, मानस कहाँ है? असम के अंदर है। कहाँ है? असम या असम कहा जाता है। एक ही साइंस का सवाल पूछा गया था, क्या पूछा गया था? वायु तथा जल द्वारा ऊपर की मिट्टी को हटाने के लिए, तो दोस्तों जो मिट्टी का अपवर्धन होता है, मैंने भी यही कहा मिट्टी का अपवर्तन होता है, उनके बारे में पूछा गया था। आयने अकबरी, दोस्तों आयने अकबरी पुस्तक है, दो पूछी गई थी, एक पूछी गई थी आयने अकबरी और एक पूछी थी हर्ष चरित्र, ये ध्यान रखना। दो पुस्तकें पूछी गई थी, एक पूछी गई थी, देखेंगे मैं नीचे जो कमेंट्स आपको बताऊंगा कि हर्ष चरित्र इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी दोनों प्रश्न पूछे गए थे, ये सवाल आपको ध्यान में रखना है। एक जो नदी है अलकनंदा और मंदाकिनी की सहायक, जो गंगा की सहायक नदी है, ये सवाल आपको ध्यान में रखना है। एक सवाल पूछा गया तानाशाही के बारे में कि कौन सा जो तानाशाही शासक है, देखिए कौन सा फ्रांस देश का तानाशाही शासक था, तो नेपोलियन बोनापार्ट। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। और संविधान के अनुच्छेद पूछा गया था, अनुच्छेद 19, 6 जो स्वतंत्र अनुच्छेद है उसके अंदर अनुच्छेद 19 के बारे में पूछा गया था। कौन सा अनुच्छेद? 19 के बारे में पूछा गया। अब दोस्तों मेरे पास में जो मैंने किया है वो मैं आपको बता दूँ, जो अब मैं रीजनिंग के आपको क्वेश्चन बताऊं कि रीजनिंग के किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, तो आपको ध्यान में रखना। मैं जो पहले जो मेरे को याद है वो मैं प्रश्न आपको बताऊंगा, लेकिन रीजनिंग थोड़ी टफ रीजनिंग थी। देखिए, रीजनिंग की सीरीज मेरे पास में जो मुझे याद है वो मैं आपको बता देता हूँ।
और उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन जो पूछा गया प्रश्न है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ ये इस प्रकार से रीजनिंग थी और बीच में डैश था और पूछा गया था कि अगला अक्षर यहाँ पर क्या आएगा। दोस्तों मैंने भी सोचा था, फिर मैंने क्या किया, 3 + 3, फिर देखिए +3, फिर देखेंगे +3। अब आगे वाला तो यहाँ आएगा, यहाँ का पूछा नहीं। अब देखिए 16 का -3, 13 का -3 और फिर -3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7। तो इसका जो राइट आंसर क्या था, 7 ऑप्शन राइट था। क्या था, 7 आपका राइट आंसर। एक सवाल एक ऐसा ही पूछा गया था, देखिए सवाल पूछा गया था कि 1, 2, 5 खाली जगह 6, 7 से। दोस्तों मेरी तो हवा उड़ गई कि मैं क्या करूँ, यहाँ खाली जगह है और यहाँ पर देखिए अब इसमें करूँगा क्या। मेरा दिमाग अभी काम करने नहीं लगा था कि मैं इस प्रश्न के अंदर क्या करूँगा। फिर मैंने सोचा कि भैया ये अगर मैं 0 करता हूँ या 1 का स्कोर करता हूँ, तो 1 का स्कोर मैंने किया, 1 का स्कोर। फिर मैंने यहाँ पर भी 1 का स्कोर +1, तो मैंने कहा कि 0 का स्कोर करके मैं +1 कर लेता हूँ तो 1 आएगा, 1 का स्कोर करके मैं +1 करूँगा तो 2 आएगा। फिर मैंने 2 का स्कोर किया और उसके बाद में मैंने +1 किया। फिर मैंने क्या किया, अब दोस्तों यहाँ क्या आएगा, ऑप्शन के अंदर मेरे को नज़दीक 26 लगे थे तो मैंने लिखा 26 लिखा और 26 के बाद मैंने क्या किया, 5 का क्या स्कोर प्लस मैंने 1 कर दिया, क्योंकि देखिए 1, फिर मैंने क्या इसको यहाँ ले लिया, इसको मैंने यहाँ ले लिया, इसको मैंने यहाँ ले लिया, ये होगा इसको मैंने यहाँ ले। अब देखेंगे 5 का स्कोर 25 +1, तो फिर मैंने 26 का स्कोर लिया, 26 का स्कोर और प्लस मैंने क्या क्या 1 करते मेरे पास में, क्योंकि 26 का स्कोर 676 होता है, तो मेरा ये प्रश्न हो गया और मुझे पता चला गया कि ये राइट आंसर हो गया, तो मैंने ये प्रश्न कर लिया। यस, और एक सवाल क्या पूछा गया था कि अलग पूछा गया, देखिए क्या पूछा गया था, एक पूछा गया मुंह, कान, नाक और जीभ, इसमें पूछा अलग क्या है। दोस्तों यहाँ पर आप दिमाग का आप सोचेंगे, तो मैंने क्या किया कि जो आपका जो नाक है मैंने नाक कर दिया, क्यों कि ये मुंह ना, देखिए कान, देखिए नाक, ये सब चेहरे के हैं लेकिन कान आपका क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये भी प्रश्न परीक्षा के अंदर, आज की परीक्षा के अंदर पूछा गया था, रीजनिंग के प्रश्न के अंदर पूछा गया था। और एक ऐसा इंग्लिश का था, इंग्लिश का नॉर्मल था, FW B और A, तो मैंने क्या किया, एक तो क्या है स्वर है, एक क्या है स्वर, तो आगे जानने की जरूरत नहीं, तो ये आपका सीधा राइट आंसर हो गया, ये क्या हो गया, सीधा आपका राइट आंसर हो गया। दोस्तों एक सवाल क्या पूछा गया था, देखिए सफेद को काला, मुरे ये सवाल पूरा याद नहीं है, और काला को लाल, लाल को नीला, उसके बाद लिख दिया कि शरीर का रक्त का रंग कैसा होता, हमारे शरीर के अंदर रक्त का रंग है, 2-3 और थे मैं कहता हूँ मुझे याद नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए लाल का नीला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यस, एक सवाल पूछा गया था कि एक लड़का है जिसकी दोनों ओर से 1900 स्थान है, देखिए दोनों ओर से, देखिए सवाल ये पूछा गया, एक लड़का जिसकी दोनों ओर से जो संख्या कितनी, तो 19, तो मैंने क्या किया, 19 को मैंने जोड़ कर लिया और उसके बाद देखिए 9 × 2 = 18 असल की 1, उसके बाद 3 और फिर मैंने 1 माइनस कर दिया, तो मेरे पास कुल कितना आ गया, 37। तो मैंने ऑप्शन नंबर में 1 था 37, तो मैंने सीधा क्या कर दिया, 37 कर दिया, क्या कर दिया, 37। तो ये भी मेरा एक अच्छा सवाल, सही सवाल हो गया। उसके बाद में जो आपके जो एक सवाल पूछा गया था, रक्त ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे मेरे, और कैलेंडर का सवाल था, कैलेंडर बोलते हैं ना, कैलेंडर का सवाल था, तो नॉर्मल सवाल था, जो अच्छा सवाल था तो नॉर्मली था, हो जाएगा। एक सवाल ये पूछा गया था मेरे कि 2 पासे दे रखे थे, क्या दे रखे थे, पासे, आपको पता है देखिए 2 सवाल, एक दो जो सवाल क्या दे रखे थे, पासे इस प्रकार से दे रखे थे, इस प्रकार से पासे थे। अब यहाँ से जो पासे थे, अब इस पासों के अंदर मुझे पूछा कि 2 का विपरीत क्या है, पासा दे रखे थे, अब संख्या कौन कौन सी है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो सवाल पूछा गया था पासा से संबंधित सवाल पूछा गया था, तो अब मैंने पासा आपको
बता दिया कि पास से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग के अंदर पूछे जा रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। पासा से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बाकी जो आपकी जो श्रृंखला, एक जो सवाल ये पूछे जा रहे हैं, जैसे इस प्रकार से प्रश्न थे, तो देखिए यहाँ तीन इस प्रकार से थे और नीचे जो संख्या दे रखी थी, एक का था 34, यहाँ 62 था, 15, 19 और उसके बाद में यहाँ 49 और यहाँ कुछ था 13, उसके बाद में 36 और यहाँ पर 26 था, इस प्रकार से प्रश्न था। तो इस ऐसे जो प्रश्न होते हैं, देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो दोनों को जोड़ने से आपका उत्तर निकल कर आ जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यस, जो मेरे पास में ये और मैथ का, देखिए मैं मैथ के, अगर आप मैथ का प्रश्न चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, मैं मैथ का भी आपको बताऊंगा फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार से मैथ के प्रश्न पूछे गए, सेकंड शिफ्ट में मैथ के मेरे पास में क्या पूछा गया। दोस्तों मेरे एक तो पूछा गया था लाभ हानि से संबंधित, किससे, लाभ हानि से संबंधित सवाल पूछा गया, एक पूछा गया था साझा से संबंधित सवाल पूछा गया। तो ऐसे जो मेरे को याद है वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, वीडियो अच्छा लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव देते रहें, धन्यवाद।